जयकारा थोड़ी लगाते हैं। अब तो भोजन पाके आ गए ना, आए हैं कि नहीं आए हैं? आ गए ना, फिर भी इतना धीमा जयकारा। जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी जो कार्तिक का महीना निकला है ना, वो पूरे महीने का व्रत आपने धारण किया था। पर जब व्रत करते हैं तो कमजोरी नहीं आती है, कमजोरी नहीं आती है, शक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है। बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? इसलिए जयकारा जोर से लगना चाहिए। आज हमारे यहाँ आपकी इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है, और हम इस भागवत रूपी भागीरथी में स्नान करेंगे, गोविंद की भक्ति को जानेंगे, और प्रयास ये होगा कि उनकी भक्ति को वो हमें प्रदान भी करें। अब भगवान तो अपनी भक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला भी तो हो, है कि नहीं? अरे बोलो तो सही, है कि नहीं? है ना? और जब भगवान का भक्त जयकारा लगाता है सेंटर से फोटो खींचे पूरे, तो भगवान समझ जाते हैं कि ये निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करना चाहता है, मेरी भक्ति को चाहता है। कौन कौन लाल जी के श्री चरणों में जयकारा लगाना चाहते हैं? कन्हैया के चरणों में फिर भी कंजूसी, यहाँ तो पूरे पूरे हाथ उठ भी गए। कहाँ कोई हो, यही हो ना? तो उठाइए दोनों हाथ और बोलिए माता बिहारी लाल की, राधा की गति के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। उससे पहले भगवान के नाम का जाप, ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, और वो भी कलयुग में, तो भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है कि नहीं? यदि दो मिनट की माला जाप के लिए कोई बैठ जाए तो उसे माला जाप का ध्यान तो नहीं रहता, पर जैसे ही आंखें बंद की तो पता नहीं क्या क्या दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? तो ये क्यों होता है? ये होता है कलयुग के कारण, पाप के कारण। और जब हम अपने आराध्य को पुकारते हैं, उनके श्री चरणों में वंदना करते हैं, तो प्रार्थना से पाप दूर भाग जाता है। इसलिए भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए इस भागवत रूपी भागीरथी में हम सभी मन की गति से प्रवेश करें। बोलिए भागवत महापुराण की। आइए भगवान का संकीर्तन ध्यान करें, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। नारायणाय नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततोजे मुदीर्यते अंधकारतिविरंधस्य चूर मिलते नैन दस
श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परिचित जी महाराज की जय हो। यहाँ पर कथा दूसरी बार है ना, और मुझे लगता है कि भूलना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर भूल गए हो तो चलो याद करा देते हैं। भाई हमें एनर्जी चाहिए होती है थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, और वो आपको पास करना होगा हमें। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि एनर्जी देनी है कि नहीं देनी है। अच्छा, एनर्जी देने का तरीका, हमारी जो एनर्जी है वो है आप जैसे हाथ उठाकर जयकारा लगाते हो, जितनी जोर से जयकारा लगाओगे उतनी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि सामने जब श्रोता में आनंद होता है तो वक्ता में भी आनंद होता है, होता है कि नहीं? इसलिए हमें एनर्जी चाहिए। तो आप दोगे कि नहीं दोगे? ऐसे ऐसे क्या कह रहे हैं? अभी भी देखो महाराज, एनर्जी में कुछ लगना तो है नहीं है, थोड़ा जोर से, लेकिन इतना धीरे बोलना कि यहाँ की जो अस्थियां हैं वो ऊपर ना जाए। ज्यादा जोर से नहीं बोलना है, धीरे बोलना, ठीक है? बोलो मां के हरि लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, जय श्री राधे श्याम। आइए अब मन को श्री जी के चरणों में लगाते हुए उनके नाम का भजन करें, और इस भजन के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। दो क्षणों के लिए भगवान का कीर्तन हमारे साथ आप भी करिए। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन का। Hey, hey, hey.
आप देख रहा है आज कथा का प्रथम दिवस है। कौन सा दिन है आज? पहला दिन है, प्रथम दिन है ना। आज हम सभी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कथा में सप्त दिवस की कथा क्यों श्रवण की जाती है और इसे सुनने का नियम क्या है, पहले किसने इस कथा का श्रवण कराया और ये सात दिनों का